हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज, मेरिस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय. पूछा गया कि ग्रोथ का जो मेरिस्टमेटिक फेज होता है वो इनमें से कौन सा है जो कि कैरेक्टराइज कर रहा है उसे. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जो फेसेस ऑफ ग्रोथ है उसमें पहला जो है मेरिस्टमेटिक फेज. सो मेरिस्टमेटिक फेज में क्या होता है कि जो मेरिस्टमेटिक सेल्स है वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, तो वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे. यहाँ पे अगर हम देखें, सेल जो है कंटिन्यूअसली डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ सेल्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे. यहाँ के जो सेल्स हैं ये कैसे होते हैं, इन सेल्स में अगर हम देखें तो रिच इन प्रोटोप्लाज्म है और कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें. एंड सेल वॉल जो होता है प्राइमरी नेचर है, थिन है, सेलुलोजिक है और एबंडेंट प्लाज्मोडेसमेटल कनेक्शन देखने को मिलता है. तो ये मेरिस्टमेटिक फेज में ऐसा होता है. इसके बाद क्या आता है, फेज ऑफ इलोंगेशन. सो फेस ऑफ इलोंगेशन में क्या होगा, ये जो सेल है ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्रेंशिएट हो गया. अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से इंक्रीज वैक्यूलेशन अंदर इंक्रीज होगा प्लांट सेल की बात करें तो. एंड इसके साथ साथ जो है यहाँ पे जो सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. तो अगर हम देखें फेस ऑफ इलोंगेशन में ऐसा हो रहा है. एंड इसके बाद क्या आता है, फेस ऑफ मैच्योरेशन. सो फेस ऑफ मैच्योरेशन में क्या हो जा रहा है, ये जो सेल है ये जो है इंक्रीज कर रहा है. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम साइज अटेन कर ले रहा है इन टर्म्स ऑफ जो वॉल थिकनिंग है एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन. तो अगर हम देखें यहाँ पे, इनमें से इसके रिलेटेड जो है कौन सा कैरेक्टराइज करा है, इंक्रीज वैक्यूलेशन तो इसमें आता है, फेस ऑफ इलोंगेशन गलत है, मैक्सिमल साइज इन टर्म्स ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन ये फेस ऑफ मैच्योरेशन में आता है, गलत दिया है. सेल्स दैट आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म एंड हैविंग थिन सेल वॉल विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेसमेटा, तो ये करेक्ट है, ये कैरेक्टराइज करे इनके सेल्स को. सेल एनलार्जमेंट ये भी गलत दिया है, सेल एनलार्जमेंट जो है इसमें देखने को मिल रहा है. तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.